हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थ्रॉटल कस्टम्स। तो आज हम आए हैं भोजपाल महोत्सव मेला में, और यहाँ पर जो छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई हैं, जो स्टॉल्स हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर जो राइड्स हैं, झूले हैं, इनको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये येलो कलर का पश्मीना फैब्रिक का शॉल है। बैठ जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्टल कस्टम्स। तो आज हम आए हुए हैं भोजपाल महोत्सव मेला में, जो कि BHEL ग्राउंड में लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है गेट नंबर 2 है मेले का। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। और काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी यहाँ पर राइड्स हैं, झूले भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर झूलों पर बैठते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं। सो हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम्स यहाँ पर सेल आउट हो रहे हैं। और चलिए तो अंदर चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से। तो यहाँ पर हमको पास मिल गया है, इसमें हमको 2 झूले झूलने को नहीं मिलेंगे, बाकी सारे झूले हम यहाँ पर झूल सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं भोजपाल महोत्सव मेला का पास ऐसा दिखता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मेले के अंदर। और आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की एक दुकान है, जो काफ़ी अच्छी यहाँ पर ज्वेलरीज लगी हुई हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ पर झुमके और काफ़ी अलग अलग वैरायटी की यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ रखी हुई है जिसको गराड़ू बोला जाता है, और इसको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो काफ़ी सारे खाने के स्टॉल भी यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप कंगन की एक दुकान देख सकते हैं, यहाँ पर है, और यहाँ पर जूतियों की दुकान है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रस्ते का माल सस्ते में मिल रहा है। और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे की रिंग्स हैं। तो जो भी बच्चे ये की रिंग्स देखना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों वाले ही हैं, ज़्यादा कोई खास की रिंग्स मुझे लग नहीं रहे। अंदर ज्वेलरीज हैं और नॉर्मल चीज़ें हैं, जो हर माल 20 रुपीज़ ये बोल रहे हैं वैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ब्लेज़र्स की दुकान है, और यहाँ पर भी कुछ चीज़ मिल रही है। तो यहाँ पर जो आप बचपन में खाया करते थे वो चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर। तो ये भी आप यहाँ पर आके टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर वुलन्स का एक स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर वुलन क्लोथिंग्स हैं काफ़ी सारे। यहाँ पर सॉक्स रखे हुए हैं, और ये ईयर्स में लगाने के लिए, ठंड से बचने के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एक और यहाँ पर एक ज्वेलरी की दुकान है, और एक्चुअली ये की रिंग्स दे रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे की रिंग्स हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसा प्राइस क्या है इन की रिंग्स का। नाम लिख के आता है तो अभी बना दोगे? अच्छा, इस तरीके का की रिंग भी यहाँ पर आप बनवा सकते हैं। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शूज़ की एक सेल लगी हुई है, और जो लोग भी बोलते हैं कि 150 रुपया देगा, तो यहाँ पर आके 150 रुपया देने का और ये शूज़ और ये लेकर जाने का। तो यहाँ पर और भी विंटर वेयर्स की यहाँ पर आप देख सकते हैं जैकेट्स लगी हुई हैं, काफ़ी सारी दुकानें हैं विंटर वेयर्स की। चलिए तो अब चेक करते हैं यहाँ पर जो अचार की दुकान है उसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचरंगा मिक्सचर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद लहसुन का अचार है, यहाँ पर अदरक लहसुन की चटनी, और कटहल का अचार, काफ़ी ख़तरनाक वैरायटी है। आंवले का अचार ही तो हम लोग खाते हैं, मेथी का अचार, और करेले का अचार भी है, बनारसी लाल मिर्च का अचार है यहाँ पर, हरी मिर्च का अचार भी है, और दूसरा टाइप का भी है राजस्थानी आम का छुंदा। ये क्या होता है भाई? मुरब्बा है भाई, मुरब्बा है, स्पेशल आम। और ये सारे मुरब्बे हैं, मीठा नींबू और आंवले की कली, काफ़ी सारे डिफरेंट यहाँ पर मुरब्बे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक और विंटर वेयर्स की दुकान है। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर गर्ल्स और वुमेंस के लिए हैं, लड़कों के लिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली नहीं हैं। और ये हैंडबैग्स आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे हैंडबैग्स हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे अचार यहाँ पर रखे हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भोपाल महोत्सव मेला में हम आए हुए हैं शॉप नंबर 121 में। यहाँ भी काफ़ी सारे यहाँ पर वुलन क्लोथ्स हैं, काफ़ी सारे गारमेंट्स और रखे हुए हैं। तो भैया से चल के बात करते हैं। भैया, क्या प्राइस रेंज है और कैसा कैसा आप यहाँ पर दे रहे हैं, बताइए। तो बस 300 रुपये से कोट स्टार्ट है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट मिलेगा, काफ़ी क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट है। और ये 200 रुपये में क्रोशियो टॉप है। ओके ओके, तो यहाँ पर मार्केट से सस्ता हमारे पास ही है और क्वालिटी वाइज माल मिलेगा आपको। लॉन्ग कोट में काफ़ी वेराइटी है, 300, 400, 500 रुपये, 600 रुपये तक के कोट हैं। आप अंदर कवर कीजिए, काफ़ी वेराइटी है। बाकी भैया आपको दिखाएंगे, कुछ प्रोडक्ट दिखाई भी है। प्रीमियम क्वालिटी में डिज़ाइनर पीसेस है, लॉन्ग कोट है, ओवर कोट है, शॉर्ट्स में, ब्लेजर पैटर्न में, काफ़ी सारी वेराइटीज़ में। फुल साइज़ चाहिए, किसी को साइज़ का प्रॉब्लम नहीं है, डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल साइज़ तक यहाँ पर उपलब्ध है। फैंसी वेराइटीज़ में, कलर्स और डिज़ाइन सारी रेंज मिल जाएगी और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हमारे यहाँ पर है। सारी क्वालिटी है, डिज़ाइनर आइटम्स हैं, आपको बहुत रिजनेबल रेट में बहुत अच्छी क्वालिटी अगर चाहिए तो शॉप नंबर 121 पर भोजपाल उत्सव में जरूर लगाइए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे प्राइजेस में यहाँ पर आपको ब्लेजर्स और लॉन्ग कोट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ और विज़िट करें। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट शॉप की तरफ हम रुक करते हैं। शॉप नंबर 121 से हम आगे बढ़ते हैं और ये शॉप नंबर दिख नहीं रहा है, तो ये शॉप नंबर क्या है भाई, आप बताइए। 124 ये शॉप नंबर है और यहाँ पर कश्मीर के शॉल्स हैं और काफ़ी सारी अलग अलग वेराइटीज़ हैं। तो भैया से बात करते हैं, आप ही बताइए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप दे रहे हैं। यहाँ पे कश्मीरी शॉल मिल जाएगा, स्टोल मिल जाएगा, सूट, साड़ी, जो भी होता है वो मिल जाएगा। कश्मीरी सारी चीज़ें यहाँ पर, पश्मीना जो फैब्रिक रहता है उसकी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक शॉल निकाल कर दिखाइए भैया पश्मीना का मुझे। तो भैया यहाँ पर गए हैं और अभी पश्मीना फैब्रिक का एक शॉल ये जो है निकाल कर दिखाने वाले हैं और शॉल के प्राइजेस भी अभी भैया बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पश्मीना फैब्रिक है और इसकी जो प्राइस है वो क्या रहती है भैया। तो ये शॉल आपको यहाँ पर 1500 में देखने को मिल जाएगा। ये फाइनल रेट है या फिर इसमें बार्गेनिंग होगी। तो भैया बोल रहे हैं बार्गेनिंग तो हो जाएगी, पर ये ज़्यादा रेट बताते नहीं हैं, कम ही बताते हैं। तो यहाँ से आके आप परचेज कर सकते हैं। तो एक और शॉल इन्होंने निकाला है, एक और शॉल दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये येलो कलर का पश्मीना फैब्रिक का शॉल है। क्वालिटी डिफरेंट रहती है और उसके हिसाब से प्राइजेस भी डिफरेंट रहेंगे। तो चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलिए एक और चीज़ यहाँ पर दिखा रहे हैं भैया, ये क्या क्वालिटी है। ओके, कढ़ाई वाला ये शॉल है, इसका क्या प्राइस रहता है भैया। ये 850 का आपको शॉल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, 124 नंबर ये शॉप है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी सारी चीज़ें हमको कवर करनी है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में और इसको एंड तक देखिए। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर भी काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं और प्रॉपर यहाँ पर नेपाल का फीलिंग आ रहा है। ऊपर यहाँ पर रिबन्स लगे हुए हैं काफ़ी सारे और यहाँ पर आप देख सकते हैं वुलन की काफ़ी सारी, वुलन क्लोथिंग की काफ़ी सारी स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं और काफ़ी सारी सेल्स की दुकानें भी। यहाँ पर 200 सेल लिखा हुआ है, 250 सेल लिखा हुआ है। वुमन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं 300 रुपीज़ लिखा हुआ है। काफ़ी सारी डिफरेंट यहाँ पर और चीज़ें यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं और भी यहाँ पर वुलन के काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैकेट्स यहाँ पर रखी हुई हैं और ये आप देखिए एकदम 350। और बहुत सारे यहाँ पर वुमन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ खाने पीने की भी चीज़ें लिखी हुई हैं, शूज़ की यहाँ पर दुकान है। और ये फैमिली जो आप हाउस होल्ड आइटम्स लेते हैं वो यहाँ पर है, कटर्स वटर्स सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आके आप काफ़ी सारी चीज़ें परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गिलास गिराने का एक गेम है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप चलिए बात करते हैं, कितना रुपया ले रहे हो भाई, कितने चांसेस दोगे। और 30 रुपए का वन बॉल है, वन बॉल से 5 गिलास गिराना है, हमारे पसंद गिफ्ट लेकर जाना जो आप बोलोगे। ओके, एक ही बॉल दोगे। की बॉल है भैया, 30 रुपए का। ओके, चलिए तो ये गेम हम खेल के देखते हैं। तो ये रही हमारी बॉल और इससे हम 5 गिलास गिराने वाले हैं। तो चलिए हम ट्राई करते हैं, कहाँ से गिराना है ना।
मुंह फेंक के कैसे मारो आप तो हमारे दो ही ग्लास गिर पाए आप देख सकते हैं सिर्फ दो ही तीन ग्लास गिर पाए हमारे चलिए ठीक है मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के थैंक यू फॉर वॉचिंग और बने रहिए हमारे साथ पूरा वीडियो देखिए तो यहाँ पर हम राइड्स और झूले वाले एरिया में आ चुके हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बड़े बड़े यहाँ पर झूले लगे हुए हैं ये देखिए आप बहुत बड़ा झूला यहाँ पर है इसके अलावा यहाँ पर जो नाव वाला हमारा फेवरेट जो झूला है नाव वाला झूला भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक मज़ा आने वाला है देख सकते हैं आप और भी बहुत सारे झूले हैं मैं आपको सारे दिखा देता हूँ यहाँ पर यहाँ पर छोटे बच्चों के काफ़ी सारे झूले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे बच्चों का झूला है और ये छोटी सी नाव जो छोटे बच्चों के लिए है इसके अलावा पीछे मेरी ग्राउंड भी है जिसमें आप घूम सकते हैं और यहाँ का चार्जेस जो है वो 40 rupees हैं लिखे हुए हैं इसके अलावा यहाँ पर कॉफ़ी की भी शॉप है उसके बाद ये छोटे बच्चों के काफ़ी सारे झूले हैं और यहाँ से एक ड्रैगन राइड भी है ऊपर आप देख सकते हैं क्योंकि जिसमें बड़े लोग भी जा रहे हैं वो ड्रैगन राइड भी है यहाँ पर और चलिए अब उस साइड दूसरी साइड चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या और राइड टिकट ले लिया है और इसमें हम झूलने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम एंटर होने जा रहे हैं यहाँ पर हम नाव के झूले में बैठ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे मेरे दो दोस्त और बैठे हुए हैं आए यहाँ पर काफ़ी मज़ा आने वाला है अभी हम जाने वाले हैं नाव वाले झूले में काफ़ी ऊपर है भाई सब काफ़ी ऊपर है
हम ये वाले झूले में जा रहे हैं।